चलिए भिजवा दिए चलिए चाको दोस्त मैं देख रहा हूं अब यहां पे दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं। सजनी के दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पे आ चुके हैं। रमोपुर के बल्लेबाज का नाम बता दें, रमोपुर अपने खिलाड़ी को भेज दे और सजनी भी अपने खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। हम लोग तो चाय पीती रह गए, चाय पिलाने वाला पीएम बन गए तो हम लोग हमेशा चाय पीते ही रह जाएंगे दोस्त, मुझे लग रहा है। और दोनों बल्लेबाज का नाम बता दें, आज के जो हमारे मेहमान खास इमरान अहमद कहतलर, बीएसपी लीडर और खेल तालीम सियासत तीनों में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। साबिर आजमी एमएच महाराष्ट्र सपा नेता, फहद आजमी महाराष्ट्र सपा नेता, हंजला सिद्दीकी निवादा, ओबैदुल्ला पठान पत्र प्रत्याशी निवादा, हाजी मिनहाज लोनियाडी, राजिक खान मुंडियार, अशफाक खान निवादा, कैफ पान मसाला। जी शाह हो सकता है भाई संजर भाई के इसके बाद हो ना दिन भाई, आप लोग कमेंट और शेयर करते रहिए। तो दोस्त ये बल्लेबाज का नाम बताएं, सहमत स्ट्राइक लग रहा रमपुर का, उसको तुम्हें पहचान रहा उनके साथी का नाम बता दें। जीशान किराना स्टोर तहसील मोड़, क्राउड कैच 500 रुपए का इनाम दे रहा है दोस्त, क्राउड कैच 500 का इनाम मिल रहा है और 1000 का इनाम मेरे पास जमा है दोस्त, मैं इस नाम को अपने पास नहीं रखूंगा, जो स्कोर और महोदय अपने पास रखा दोस्त, लालच बुरी बला है। बॉलर्स ने अब्दुल्ला हो तो हाथ उठा दे, अब्दुल्ला बॉलर हो तो हाथ उठा दे, 100 रुपए जीशान किराना स्टोर है, जीशान किराना स्टोर फूलपुर मोड़, जय सैकल पास सहमा स्ट्राइक का नाम, स्ट्राइकर का नाम अजीम और सहमा, कुछ सोचते हैं सजनी के दादी कर रहा है तैयार, तवासरू की आप पहुंचे रमोपुर के पास सहमा के लिए। हाँ भाई निवाद कैसे से खेला कवर की जाने और बड़े ग्राम भाई संजरपुर का जल्दी मैच होगा इसके बाद हो सकता है। तुम्हें एक बार फिर अपने दर्शकों का स्वागत अभिनंदन और वेलकम कर रहा हूँ इस निवादा प्रीमियम सीजन वन में। बेहतरीन मुकाबला, एक तरफ सजनी के साजन और दूसरी तरफ रमोपुर के बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज सहमा, एक बेहतरीन भिड़न देखने को मिल रही दर्शकों को। रमोपुर ने पांच दिन से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, रमोपुर ऑन द क्रीज लेके टू बैट्समैन ऑन द क्रीज, ही लुकिंग वेरी डेंजरस, वन इज सहमा एंड वन इज अजीम। अजीम इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। Now I look to the field. Wicket keeper. नहीं भाई मंजीर पट्टी शायद। इससे पहले वाले मुकाबले में इन्होंने 57 रन की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। लेफ्ट ने गेंद किल्लिया भी खेल दी। पहली गेंद पर यहाँ पर तीन बोल्ड। यकीनी तौर पर रमोपुर की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका पहुंचाए। एक बेहतरीन बल्लेबाज बिना रन बनाए हुए सिफर के स्कोर पर। तो एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज जो पिछले मैच के हीरो इस मैच में नाकामयाब होते हुए मैं देख रहा हूँ कि सजनी के गेंदबाज ने यहाँ पहले विकेट का पतन कर दिया। रनों की संख्या जा पहुंची इस वक्त जेस को यह विकेट मिलने वाली पहली सफलता एक रन। तो 413 मैचों में सनत जयसूर्या 34 बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं और आज ये कारनामा मैं देख रहा हूं। मोहम्मद जैस ने ये काम किया है, विकेट का पतन किया। नए बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज का नाम बता दें साकिर, मोहम्मद साकिर को बल्लेबाजी के लिए लाया है। पहले ही ओवर में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आते हैं। इस बार अब स्टंप के बाहर जाती भी गेंद, अंपायर मोहम्मद सालिम के साथ का फैसला वाइड का। तो ये
रेहान से अगुवाई में चल रहा ये क्रिकेट टूर्नामेंट। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ पप्पू भाई मानपुर, बीडीसी आरिफ भाई और उनके अलावा आदमी हंजला सिद्दीकी, जनाब अब्दुल्ला साहब नेवादा, अकील भाई, अनिका कारवीन, हाजी रिजवान खान साहब, सादा माहौली, अबू तालिब बैरिस्टर भाई, अकील के भी समर में और एक सफलता मिल जाती मोहम्मद चैस को, सजनी की गेंदबाज को। सजनी अपने दोनों बेहतरीन मुकाबले जीतने के बाद तीसरे राउंड में इस वक्त मरहूम फरानी स्टेडियम तेंगा के मैदान पर जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं 5+5 ओवर के मुकाबले में। एक बढ़िया क्रिकेट चल रहा है इस वक्त, दोनों टीमों की तरफ से मैं देख रहा हूं। एक एक सीमा रेखा के पार सीधे 4 रनों के लिए की मदद से जो डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। मैं अपने इस तमाम आए हुए मेहमानों का, मैं दर्शक नहीं मैं मेहमान कह रहा हूं, आए हुए सबका मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। इस निमादा प्रीमियर लीग में अपने सभी भाइयों का, युवा नौजवानों का मैं सलाम कर रहा हूं। इस बार अगली गेंद बल्ले का इनसाइड एज लगा था, जयस लग रहा कि बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, रम्मोपुर के दोनों बल्लेबाजों को बात कर रखा। रनों की संख्या इस वक्त जा पहुंची 6 के योग पर। पहला ओवर चल रहा है और गेंदबाजी जैस मरहूम फरहान स्टेडियम में मरहूम फरहान इंड से गेंदबाजी कर रहे हैं त्योगा के मैदान पे। एक तरफ भैया बालन सहमा, बड़ा खतरनाक बल्लेबाज लोकत बालन और उनके साथ साकी, दूसरे खूटा पे खड़ा बाना तैयार बैठा अगली गेंद लेकर दौड़ना जैस, घुमाने के फगले हवा मारने जोर से चक्कर में बीट हो गई है और यहां जैस अपने विकेट कीपर एक आदम भैया का डाला, तू कैच हुआ छोड़ डाला, अंपायर के ओवर या समाप्ति का ऐलान, स्कोर जा पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नाउ फर्स्ट ओवर इज कंप्लीटेड, रन गोइंग ऑन 6 एंड द लॉस ऑफ 1 विकेट इन पवेलियन। फर्स्ट ओवर हुआ है भाई, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अजीम गॉन टू पवेलियन इन द फर्स्ट ओवर। और अब पहले ओवर की बात हो रही है साहबगंज सर, तो समिंदा इरंगा दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं श्रीलंकाई गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट कैरियर, ओडीआई कैरियर, टी20 कैरियर, तीनों कैरियर के पहले ओवर में इन्हें विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं पूरी दुनिया में और आज तक ये कारनामा किसी फॉर्मेट में नहीं हुआ। बैटिंग पावर प्ले मोहम्मद सालिम साहब ने इशारा कर दिया जो इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में है। तो सजनी की तरफ से नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाजी मार्क्स पर, छोटे रन से गेंदबाजी करेंगे। भाई गेंदबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा, सजनी से बड़ी रिक्वेस्ट अपील, अगर कोई बहामा प्लेयर है रायत एक लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं। और मैं देख रहा हूं कि रास्ते में जो गाड़ियां खड़ी की गई, मैं बड़ी उम्मीद आप सभी दोस्तों भाइयों से, अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि आप उस गाड़ियों को साइड लगा दें प्लीज, और जो कैंप्स बनाए गए हैं कैंप्स के अंदर आप बड़े आराम से बैठे। नेवादा प्रीमियर लीग जो आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट दोस्तों, इसके बाद जो सीजन 2 आएगा, दो नहीं ये जो हीरो होंडा की बाइक है ये 3 बाइकों को रखने का ऐलान किया है। सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट चल रहा है इस पूर्वांचल के मरहूम फरहान स्टेडियम पर। ये दो चमचमाती हुई ट्रॉफियां, ये कप और इसके अलावा फ्रिज और कूलर, यानी इनामों की भरमार। एक बार एक लॉपरेट शॉट का प्रयास यहां पर सहमा के बल्ले से, कारपेट के सहारे मारना चाहते थे, हालांकि गेंद उनसे छिटकी, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और ये 2 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिए। तो सहमा एक बेहतरीन ऑलराउंडर, हालांकि ये बेहतरीन गेंदबाजों में से एक कहे जाते हैं और पूर्वांचल के सबसे अच्छे तेज गेंदबाज कहे जाते हैं। और वेरिएशन अगर मैं कहूं, वैरायटी कहूं, तो इस रम्मोपुर के इस शानदार खिलाड़ी ने किया है सबसे पहले इस आजमगढ़ की धरती की तरफ। अगली गेंद लैपेट किया है, ये आक्रमण स्कोर, ये सीमा रेखा के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए।
सजनी इस मुकाबले को जीतती है तो 500 रुपए का इनाम जनाब फैसल भाई की तरफ से। एक बड़ा इनाम मैं देख रहा हूं इस वक्त चल रहा है। अगली गेंद लेकर राहत गेंद करेंगे, एक और लंबे शॉट का प्रयास, लेकिन मैं देख रहा हूं कि विकेट कीपर और मैं देख रहा हूं कि विकेट कीपर बल्लेबाज के सामने जाकर अपील कर रहा है, लेकिन ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस टैलेंट की कोई कमी नहीं मिस्टर सहमा के अंदर, एक बेहतरीन खिलाड़ी अब तक पूरे मैच्योर हो चुके हैं। रायत की अगली गेंद, इस बार मैं देख रहा हूं पिस्टन से बाहर ऑफ स्पिनर, ये गेंद थी विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने बड़े सफाई के साथ गेदर किया। पिच की मैं गहराई को देख पा रहा हूं 20.12 मीटर की इस पिच पर विकेट कीपर के अलावा एक शॉट गली, उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक मैं देख रहा हूं कि शॉट पॉइंट, उसके अलावा मैं एक शॉट लॉन्ग लेग, ये फील्ड की पोजीशन रायत गेंदबाजी कर रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले है जिसमें तीन फील्डर बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि सिक्किम जो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि डीप मिड विकेट की तरफ खड़े हैं, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन, ये फील्ड की पोजीशन। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंद करेंगे यहां पर रायत, अच्छी गेंद सहमा के लिए, अंदर आती हुई ब्लॉक होल में खोद कर निकाला है, टिक भरते हुए गेंद गई यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक वहां से फील्ड होती, एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी का नुमाइंदगी इस नेवादा प्रीमियर लीग के मुकाबले में चल रहा है। तो हमारे मेहमान इमरान अहमद साहब, हाजी रिजवान साहब, सादाब माहौली, जनाब अबू तालिब, और मैं देख रहा हूं कि आरी भाई, पप्पू भाई इस वक्त इस मंच पर बैठे हैं। अच्छी गेंद और यहां पर अबू तालिब आरंभदार से अपील की जा रही है, और उंगली हवा में, एक और बल्लेबाज का पतन। भैया चश्मा में तो बड़ा हीरो लगत बड़ा, लेकिन भैया रिक्वेस्ट बाउंड्रिया से तनी से पीछे हट जाता, बड़ा बड़ा अच्छा लगत हमके, धन्यवाद भैया। और मैं देख रहा हूं कि इस तपती हुई धूप में मेरे दोस्त सेना, मैं देख रहा हूं एक तरफ है आपता माहौली और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कस्बा माहौल, जो संभवतः दोस्तों मेरे साथ अभी आने वाले समय में ये हम एक टूर करने वाले हैं। अभी बात हुई गया में वो टूर्नामेंट है, यानी वो बिहार में जाने के लिए बात चल रही है, संभवतः 11 या 12 तारीख को उस टूर्नामेंट के लिए निकलना है। तो जो मेरे साथ कमर आसिफ भाई वो टूर करेंगे, हालांकि मैं देख रहा हूं कि ओवर समाप्त हो चुका 16 की योग पर, यहां पर मैं देख रहा हूं कि फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी मार्च पर लाया जा रहे हैं गेंदबाज मोहम्मद चैस, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं 5 ओवर के मुकाबले में। और मैं चाहूंगा कमेंट्री के वॉलंटियर्स, जो नेवादा प्रीमियर लीग के सभी हीरो, सभी दोस्त, सभी नौजवान साथी, आज 11वां दिन, ये बहुत बड़ा दिन क्रिकेट के लिहाज से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार गेंदों को मैदान के अंदर पहुंचाते रहे, दोनों अंपायरों की तरफ ध्यान से देखते रहे, जो जरूरत है आज कोई कमी ना हो जाए, क्योंकि आज ये नेवादा की जो मेहनत लगातार 10-11 दिनों से इस मैदान पर सोए हैं, रात में सोए हैं, सुबह दिन भर यहाँ सबका लंच और डिनर आता है, बहुत बड़ा काम है नेवादा की तरफ से। और सबसे बड़ी इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट साबित हो रहा है, अब तक लगातार मैं गोरखपुर, डेरवा, उसके बाद पढ़लगंज, मेरे साथ मेरे बाबा रहते हैं जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, बिहार में दरभंगा जैसे शहरों में जाना होता है, लेकिन अब तक इस, मैं आजमगढ़ के दयार की बात कर रहा हूँ, सिबली के दयारे की बात कर रहा हूँ, इस पूर्वांचल के 10 जिलों की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी इनामी राशि वाला यह प्रतियोगिता अब तक मुझे देखने को मिला है मेरी कमेंट्री के दौरान। तो मैं ये नेवादा के लिए एक नई सोच साबित होती हुई, यहाँ मोहम्मद सालिम साहब मैं देख रहा हूँ कि कुछ बातचीत करते हुए, तो बाबा आज मुझे सुबह मिले और बड़ी एक जबरदस्त लाइन मुझसे कही कि ये बेरोजगार का हाथ है कातिया, बेसन घोलकर उसे पकौड़ा बना देता है, तो इनका पकौड़ा खाने का मन था, तो ये डायलॉग मुझसे पेश किए थे मुझे रोजगार के लिए। अगली गेंद यहां पर कट करने का प्रयास किया, बल्ले का एक बल्लेबाज सहमा ने मना किया, नैन स्ट्राइकिंग दौड़ते हुए चले आए सहमा के पास, यानी सहमा पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिलायबल, पूरी टीम का बागडोर नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त ब्रह्मपुर की टीम की तरफ से। तो आज हमारे मेहमान जो साबिर आजमी, सपा नेता महाराष्ट्र, फहद आजमी, हंजला सिद्दीकी, उबैदुल्ला साहब प्रधानमंत्री प्रत्याशी, उसके साथ आ रहे हाजी मिनहाज लुनियादी, राजीव भाई मुंडिया,
आज आजमान होना अस्वाद भाई होने वाला इस बार लॉकडाउन शॉट का प्रयास तो ऐसे काम नहीं बनने वाला। सिंगल रन कल मैं बता दूं एक मुकाबला हुआ था हाई वोल्टेज मुकाबला, कुछ दर्शक जो आज आए होंगे कल भी रहे होंगे, तो खुरासो वर्सेज इसरौली के बीच मुकाबला हुआ था एक गेंद पर। यहाँ पर एक रन की जरूरत थी, वो रन शॉर्ट कर दिया गया था दोनों अंपायर के द्वारा हिदायत देने के बाद। लेकिन क्या मुकाबला हुआ था, हाई वोल्टेज ड्रामा उस मैच में देखने को मिला था दर्शकों को। मोहम्मद जैस तैयार होते हुए गेंद करेंगे, राउंड द विकेट इस बार पटकी देके कट किया है और एक एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपने बड़े भाई साहब अंतर इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक रन की कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये निर्णायक मुकाबला है, एक एक इलिमिनेटर का मुकाबला, हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, एक एक रन एक एक गेंद की लड़ाई है यहाँ पर इस मैदान पर। और हरीश बिना पारे की आवाज में कहे तो लोहा से लोहे टकरा रहा है, चिंगारियां भड़क रही है मैदान के अंदर। सजनी के गेंदबाज जैस की तरफ से अच्छी इस बार अच्छी गेंद मैं कहूंगा, जैस की बॉडी लैंग्वेज से उनके एक्शन से नहीं लग रहा कि वो इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ये अल्लाह का ये नूर है, अल्लाह का ये करिश्मा है, ये इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करिश्माई गेंदबाजी मोहम्मद जैस इस वक्त कर रहे हैं टीम सजनी के लिए। तो फील्ड खुल चुकी है, मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग लेग एक भी मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग उसके अलावा अगली गेंद इस बार भी बड़े हिट का प्रयास। तो सजनी के साजरों ने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रम्मोपुर के पैंथर्स को बांध कर रखा है। अभी मैदान के पीछे मैं देख रहा था सहमा भाई और उनके पूरे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि उनका बल्ला मैदान के अंदर खामोश है। बेहतरीन पिच का निर्माण हुआ इस मरहूम फरहान स्टेडियम पर, एक अच्छा मुकाबला दर्शकों के सामने, दिल को रोकने वाला मुकाबला। लेकिन फिर मैं दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि आज इस तपती हुई धूप में आपके आने से निर्माता प्रीमियर लीग कामयाबियों के बुलंद को छू रहा है। अंपायर ने वाइड की मांग की लेकिन अंपायर ने नकारा और ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया, यानी ये थर्ड ओवर इज कंप्लीटेड, रन गोइंग ऑन 18 रन, तो तीन ओवर 18 है, यानी 6 के ओवर से रन रेट लेके जा रही है टीम। और ये कम एक ओवर मात्र एक रन, वह चेस क्या गेंदबाजी की, चाप के रख डाला भैया एकदम रम्मोपुर वाले के। यस के गारमेंट्स के द्वारा आप मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र कुमार जो आपके यहाँ पर कैच, और मैं देख रहा हूँ कि अदनान संधरी एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन दोस्त, मेरा अजीज दोस्त मेरे साथ जुड़ गए, मैं इनका भी खैर मकदम और वेलकम करता हूँ। तो हवा काफी है, तो रनों की संख्या इस वक्त रुकी है 18 की योग पर, मात्र 3 ओवर समाप्त हुए, यानी 12 गेंदे बची हैं। अब सहमा को हाथ खोलना होगा, अब सहमा की उम्मीदों को झटका लग सकता है यहाँ पर। तीन ओवर की समाप्ति पर रम्मो का, और मैं वॉलेंटियर भैया ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है नेवादा प्रीमियर लीग, एक बड़ी आम बान शान ये नेवादा के लिए है और सबका सहयोग रहा इसके लिए टूर्नामेंट में। हाजी जनाब शौकत अली साहब आए, अयूब अंसारी, 88 भट्टा, अमित जयसवाल, मोहम्मद शाहबाद भाई नोनिया डी, अयूब खान, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद तलहा, और साथ ही मैं देख रहा हूँ मोहम्मद सारिक, मोहम्मद फरहान, सद्दा सद्दाम शेख, हाफिज अब्दुल्ला खान, हाफिज अब्दुल्ला शेख, गुफरान भाई, रेहान शेख की अगुवाई, अशरफ और अयूब का योगदान आज मैं देख रहा हूँ कि कामयाबियों को कदम चुम रहा, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाम लेना पड़ रहा। अगली गेंद यहाँ पर अब कुछ करना होगा शहमा को, गेंदबाजी से आप यहाँ पर एक ओवर में 10 रन नहीं रोक सकते, क्योंकि सजनी के पास एक बेहतरीन बल्लेबाज मैं देख रहा हूँ कि रियाद, और उसके अलावा सिक्किन जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था पिछले मैच का हीरो, मैं कह दूं तो बुरा ही नहीं, अगली गेंद इस बार मारना चाहते थे। अपील की जा रही अंपायर से, जोरदार अपील यहां मैं देख रहा हूं कि रायत की तरफ से, लेकिन सारे फील्डर उछाल मार रहे मैदान के अंदर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए, अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग रहे। और ये सजनी में एक और बड़ा नाम अब्दुल्ला है, सिक्किन है, ये लोग बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बहुत दबाव में बल्लेबाजी हो रही है। इस विकेट पे 3 ओवर में 18 रन, मैं कहूंगा बहुत कम रन बने हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इस बार कारपेट के सारे लपेटा मारक करना क्या चाह रहे हैं सामा भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब तक उन्होंने एक भी बड़ी बाउंड्री आक्रमक शॉट देखने को नहीं मिला, लेकिन भाई सजनी के दर्शक एकदम चपले वाला है, कुछ हो जाए जैसा कहना चाहिए, हाँ हाँ लगा तुम्हें खूब मजा ले पाड़ा भाई लोग, नेवादा प्रीमियर लीग इसी के लिए बनाया गया है कि मनोरंजन के लिए, एक खेल के लिए, लोगों को प्यार के लिए ये टूर्नामेंट को इजाद किया गया है।
तो यहां मेरे बड़े भाई ने एक बात बताई कि फेसबुक पर ना कीजिए पिया मिलन की आस, चैट चैट करोगे तुलसी से निकल जाएगा तुलसीदास। अगली गेंद लॉफ्टेड शॉट यहां पर चार सलाम करते भी चार रनों के लिए। कमेंटेटर सचिन भाई काफी अच्छी बॉल कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त देख रहा हूँ ब्यूटीफुल बाउंड्री कम्स ऑन दी फोर्थ ओवर। रियाद इज रेडी टू बॉल फॉर मिस्टर सामा। सामा इज अ वेरी टेंशन बैट्समैन जनरस बॉलर ही इज गुड एबल टू डू बॉल। रियाद ही वांट टू हिट द ट्राई टू बॉल फॉर मोहम्मद सामा बट नाउ दिस टाइम ही डिड नॉट प्ले ब्यूटीफुली। नाउ बॉलर इज रियाद रेडी टू बॉल इन द फोर्थ ओवर लास्ट बॉल ऑफ द ओवर वन टू गो इन दिस ओवर। नाउ मोहम्मद सालिम रेडी टू बॉल इज अंपायर ऑन दिस ग्राउंड। नाउ ही रेडी टू सिग्नल रिया ही सुपर बॉल। नाउ ओवर इज कंप्लीटेड फोर्थ ओवर इज कंप्लीटेड रन गोइंग ऑन ओनली 23 एंड द लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु आर अवेलेबल हियर। तो दोस्तों ये सिर्फ भोजपुरी ये अवध भाषा ये स्लंग स्लैंग लैंग्वेज है दोस्तों। अगर मेरी भाषा से अगर किसी भी शख्स किसी भी भाई किसी छोटे युवा नौजवान बुजुर्ग को अगर मेरी आवाज से अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएगा और मैं उससे माफी मांग लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा एक ये रहता है कि मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूँ खिलाड़ियों का और यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का मैं मनोरंजन करना चाहता हूँ कि वो खुश रहे। इतनी धूप में यार मुकाबला देख रहे हैं भाई, अब कितना मैं आपको सलाम करूं। सच बताऊं तो आप कितना ये सिक्किम देख रहे हैं गेंद लेकिन देखते ही रह जाएंगे सीमा रेखा के बाहर छोड़ रहे। रहमानिया क्लब अंबेडकर नगर देवरिया देवानगर बाहर रहमानिया क्लब अंबेडकर नगर वर्सेस संजरपुर यानी टीम कैप्टन मोहम्मद आसिफ मोहम्मद सलमान। इस बार गेंद को हैंड लेफ्ट किया है सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर हैंड हैंड समथिंग स्प्लेंडिड शॉट हिट बाय द बैट्समैन अ सुपर शॉट फॉर रमपुर रन गए नाउ दिस टाइम 36 ऑन द स्कोर बोर्ड। He played a very beautifully. Sanjaypur or Ambedkar Nagar Tasker Wale. एक और बेहतरीन शॉट उसके पीछे है टीम सिक्किम जब तक गेंद को फील्ड करते और यहां पर रन को भी शॉर्ट कर दिया गया और ये रन एक एक रन जहां रन के लाले पड़े हैं स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 35 की योग पर। चार पांचवा ओवर चल रहा है इस वक्त गेम कैप्टन से बैटिंग कर रही है सजनी बॉलिंग कर रही है इसी के साथ जिशान ने इस टूर्नामेंट में भी अच्छा किया। इसके पहले मैं अपने भाई बता दूं कि उस मुकाबले में बहुत अच्छा खेल खेला था संजयपुर यस आरती यानी मुंडिया के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में फाइनल खेली थी। सलमान और जिशान की बेहतरीन पारी की बदौलत फाइनल जीता था और ओशामा मैन ऑफ दी सीरीज हुए थे खंडवाड़ी की तरफ से। टॉस जीता है अंबेडकर नगर फैसला पेंडिंग में है रहमानिया क्लब का। इस बार बेहतरीन शॉट में देख रहा हूं कि इसके पीछे काउ कॉर्नर वाइडिस की तरफ भागते हुए आए और गेंद को गिदर किया तब तक एक रन बनाने का मौका मिल गया स्कोर जा पहुंचा 36 के योग पर। तो मेरे प्यारे दर्शकों मेरे भाई मैं आपको बता दूं हमारा प्रीमियर लीग सीजन 1 चल रहा है और ये 40 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं माफ करना आज हमारे स्कोरर साहब को कुछ दिक्कत है। इतनी स्कोर जा पहुंचा मैं देख रहा हूँ स्कोर बोर्ड पर 44 रन। तो सद्दाम शेख जो बेहतरीन स्कोरिंग की उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद सारी जीत के लिए 45 रन बनाने होंगे। तो समा अगर सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि 10-15 रन शॉर्ट रह गए अब यहाँ पर क्या होगा। आगे की कमेंट्री के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे दोनों बड़े भाई और कह दे कि एक
वरिष्ठ कमेंटेटर मैं देख रहा हूँ कि शेर अब्दुल भाई और उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि इस दोहरी घाट से चलकर आए हुए बड़े भाई मैं देख रहा हूँ सुशील कुमार पांडे जी जो बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, आपको कमेंट्री सुनाएंगे। और फिर मैं एक बार बता दूं कि निमाता फिल्म मिलेगी एसके टेंट हाउस फुल गुरुदपुर के द्वारा आयोजित शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट जो रेहान शेख और असरफ और अयुब खान की अगुवाई में चल रहा है, जो जनाब ओबेदुल्ला साहब, फहद आजमी, साबिर आजमी, हंजला हाई और अकील अहमद, अलका दारमीन, उनके साथ जनाब हाजी शौकत अली, हाजी बड़े भाई हाफिज अब्दुल्ला खान साहब और अमित जायसवाल, अयुब अंसारी और मुशाहिद बाबर, मोहम्मद शाली, मोहम्मद आजाद और उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आरिफ भाई और पप्पू भाई, ये समस्त लोग इस वक्त मौजूद हैं इस टूर्नामेंट को कामयाबी का जामा पहनाने के लिए। और आगे कमेंट्री के लिए मैं अपने बड़े भाई शाह अफगन सर के पास। शुक्रिया सुजीत, ये मुकाबला बहुत प्यारा चल रहा है और इसमें किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। लेकिन दोस्त मैं देख रहा हूँ सिंहासन चौहान जो दोहरी घाट से इस मुकाबले की लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि सिंहासन चौहान वक्त निकाल कर आइए कि चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, बल्लेबाज पहुंच जाए, चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी के आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। सिंहासन चौहान आइए मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, बल्लेबाज बिल्कुल पहुंच जाए, तुरंत बल्लेबाज पहुंच जाए अपने काम को अंजाम देने के लिए, बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देना होगा। अज़्म करते हैं परिंदे तो बदल जाती है किस्मत, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होते। कितने का टारगेट है स्कोरर? स्कोरर महोदय टारगेट कितने रन का बुलाया है यहाँ पे? दो भाई, 45 रनों का टारगेट। बल्लेबाज पहुंच जाए, बल्लेबाज तुरंत पहुंच जाए दोस्त, जल्द से जल्द क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, मैच बहुत ज्यादा है, अंबेडकर नगर और सजरपुर के बीच मुकाबला होगा। तो दोनों बल्लेबाज अब्दुल्ला और सिक्किन निकले हैं बल्लेबाजी के निकले, अब्दुल्ला और सिक्किन के जोड़े क्या गोल खिलाएगी। इसके बाद संजरपुर का मुकाबला रहमानिया स्पोर्ट क्लब अंबेडकर नगर, टॉस जीता है अंबेडकर नगर, आपका फैसला क्या है, गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी? पांच ओवर, हां भाई फाइनल आ, गेंदबाजी करने का फैसला किया रहमानिया स्पोर्ट क्लब, सारी टीमें आ चुकी हैं, 45 चाहिए, 5 ओवरों में 9 रन चाहिए हर ओवर में, तो अब्दुल्ला और सिक्किन की अगर बल्लेबाजी चली 5 ओवर में 45 रन बनाने हैं, इसके जवाब में सजनी को बनाना है 46 रन, करेंगे देखा जाएगा। जबरदस्ती मुकाबला है, जबरदस्ती मुकाबला आपके सामने, फनकार कौन है यहाँ सब जानते हैं, फनकार कौन है ये सब जानते हैं, परवाज उड़ानों की शाही को खबर है, परवाज उड़ानों की शाही खबर रखती है, और यहाँ फनकार कौन है ये देखा जाएगा। सहमत तैयार पहले गेंद देखिए अब्दुल्ला को, 45 के जवाब में पावर प्ले चल रहा है दोस्त, उसके बाद एक पावर प्ले होगा, आप देख रहे हैं दो तीन लोग स्लिप में खेल रहे हैं इस मुकाबले को, तैयार विकेट पहुंचे और अच्छी गेंद, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा, कमेटी इतना अनाउंसमेंट करवाती है कि आप स्लीपर में ना आए, जींस में ना आए, उस टीम कम ही रखें लेकिन डिसिप्लिन वाली टीम को ग्राउंड पे लाएं तो बेहतर होगा, जिसे बुरा लगे होगा बुरा लगे, लेकिन जो आप नियम के आप तरफ फर्जी कर रहे हैं जरूर कहूंगा, तैयार और फिर अच्छी गेंद नीचे रहते ही बीट करने में कामयाब, बीट करने में कामयाब। अभी भोजपुरी में हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत यहाँ पे कुछ आवाज लगा रहे थे, लेकिन मैं सुजीत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा सा ना करें तो बेहतर होगा, जो आप चपले रहा कह रहे हैं ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये कैसी आसमी का दया है, यहाँ पे ऐसे वर्ड सुबह बिल्कुल नहीं देंगे इस ग्राउंड पे, और वर्ड बड़े अच्छे लग रहे हैं, और वर्ड आप बड़ी आसानी से कहें तो ये बेहतर होगा। खूबसूरती के साथ ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है, सही अंदाज में देख रहा हूँ, ये मुकाबला चल रहा है 45 रन चेस मैच को जीतने के लिए, बेहतरीन मुकाबला आपके सामने, तैयार एक ऊंचा स्कोर, हाई एंड हैंडसम, क्राउड प्रेस कीजिए, आपको ऐसे गारमेंट टी शर्ट देगा, अब्दुल्ला के बीच बैट से निकलता हुआ बहुत ही जबरदस्त चेहरा, कामयाब है
कि इस टूर्नामेंट को कौन जीत कर जाएगा। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। इस रोली के कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, अभी ढोल नगाड़ा आएगा, पिकअप आएगा, कौन भर के आएगा पिकअप में, दर्शक आएंगे तैयार। तो किया एक और दिलकश स्टोर, दूसरा कलात्मक लॉन्गेस्ट ऑफ द मैच इन दिस मैच, इस मैच का सबसे लंबा छक्का कहूंगा मैं अब्दुल्ला के बल्ले से। इसको तैयार होते हुए बाधी करने के लिए थॉमस शो किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे और एक और मुचका ड्राइव सीधे बल्ले से गेंद पर बाउंड क्रॉस कर जाएगा चार में के लिए। इसको चौला ओवर की समाप्ति, एक ओवर 16 रन, एक ओवर 17 रन, 17 रन, एक ओवर 17। तो दो छक्की एक चौके एक सिंगल आया, तो 17 बना है दोस्त। जीशान स्टार भी बरौली भी देखा जा रहा है यहाँ पे, और ये नौजवान मोहब्बत बहुत करते हैं। मोहब्बत कैसे करते बता दूं, मोहब्बत को यहां तक आज के इंसान ले आए, जहां कोई हंसी देखी वहीं ईमान ले आए, जहां कोई हंसी देखी वहीं ईमान ले आए। ये लोग सच्ची मोहब्बत कम करते हैं, हसीनाओं को देख कर दिल दमा बैठते हैं। ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है, खूबसूरत अंदाज, 17 रन। गेंदबाज का नाम बता रहे, क्या नाम है गेंदबाज का, रमोपुर, अपने इस्टा खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में भेजते हैं। साकिब आए हैं, सिक्किम क्या करेगा, सिक्किम जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है, सिक्किम के बल्लेबाजी करते हैं। बेहतरीन मुकाबला निवादा प्रीमियर लीग, इसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रेहान शेख और अशरफ खान, अयूब खान, ये ऑर्गेनाइजर हैं। ये त्रिमूर्ति एक खाप देखा और वो खाप उनका सच साबित हुआ, और फिर इसके बाद अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि निवादा प्रीमियर लीग इसके टेंट हाउस 2 जनवरी में खेला जाएगा, जहां 3 मोटर बाइक होगी, जो टीम अंतिम 4 में प्रवेश कर लेगी चारों टीम उसके एंट्री माफ होगी। तो चारों टीम की एंट्री नहीं लगेगी, हर कोई टीम अब तो दुआएं कर रहा है कि मैं अंतिम 4 में पहुंच जाऊं, अगला सीजन खेलूं, और ये मोटर की बाइक चाबी कौन लेके जाएगा। और फिर उसे हल्के से खेला, गली की जाने गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही थी, फील किया गया एक रन के लिए, स्कोर इसी 1-7 18। राजापुर सिकरावर भी 3 मुकाबला जीता है, हर किसी को अपने गांव से मोहब्बत होती है, तब देखा जाए राजापुर सिकरावर क्या अंतिम 4 में पहुंचेगा, यही सोच रहा हूं बैठा बड़ी देर से मैं। बड़ी खूबसूरत मुकाबला, संजयपुर एक जबरदस्त टीम, अंबेडकर नगर भी एक बड़ी मजबूत टीम है, दोनों के बीच ये मुकाबला तैयार होते हुए। शाकिर तो अब्दुल्ला घूम कर खेला, फील्डर आ रहा है, क्या चांस मिलेगा फील करने का या नहीं, जी नहीं, गेंद बाउंड क्रॉस कर गए 4 रन के लिए। आईपीएल के झुंडे झुंडा हुआ है ग्राउंड, आपका वेलकम कर रहा है, आईपीएल की झुंडे झुंडा हुआ है ग्राउंड, मैंने कहा आपका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाते हैं, लिपस्टिक से बाहर भटके हैं भाई तेजी के साथ, ये वाइड का इशारा होगा, क्राउड का एक्सप्रेस तौर पर इनाम आ रहा है, जीशान किराना स्टोर तहसील मोड़, क्राउड कैच पे 100 रुपए की नाम, क्राउड कैच कोई करेगा एक टी शर्ट दी जाएगी एसके गारमेंट की तरफ से, ऐसे बहुत सारे नाम दोस्त यहाँ पे हैं। और फिर बड़ी खूबसूरत बल्ले का अंदरूनी स्थाले पे चेयरमैन वाइड क्रॉस कर जाएगी, स्कोर 26 रन, 27 27 बन चुका है दोस्त। सचिनी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, 45 के जवाब में दूसरा ओवर है, 27 बन चुके हैं। अदनान संजीव जब चेहरे पे होता है गूगल तो बड़े प्यारे लगते हैं, फिर तक स्टॉक खेला गया और यहाँ पे फिर के पाव निकास कर जाएगी, बेस ने कुछ चुढ़ाया, कुछ पीस किया, किस्मत की बात, फील्डर ने सारा चेक किया कि गेंद पकड़ो, गेंद ने कहा रुकिए मुझे बाउंड्री के बाहर जाना है, और किस बाउंड्री के बाहर निकली इसे 4-7 31-31 दूसरे ओवर जारी, 28 रन बना के अब्दुल्ला खेल रहे हैं, वन मैन शो हर टीम के रही दोस्त, तैयार होते तौर शुरू किया शाकिर टू अब्दुल्ला, और फिर जरूर खेलना चाह रहे थे, एक रन और मिलेगा, स्कोर 32 रन, स्कोर 32 ले पाई के शक में ये रन आया। अब यहां पर सिक्किम किस तरह से गेंदबाजी करेंगे कि हजारों दुख हो मगर ऐसी भूल मत करना, हजारों दुख हो मगर ऐसी भूल मत करना, हयात भीख की सूरत में कबूल मत करना।
इस मैच के बाद का अभी अलाउंस नहीं है, उसी के साथ 6 रन चिकन जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सिक्स, सीधा स्ट्रेट ड्राइव। इसी के साथ 27-33 रन बन चुके हैं। आउट अब्दुल्ला, आउट। सलमान भाई बस होगा, जल्दी होगा, अभी अलाउंस नहीं हुआ है शायद, इसके बाद भी हो सकता है। प्रशांत वाइट बॉल, हो सकता है भाई इसके बाद ही रहे कि अभी तक अलाउंस नहीं हुआ है किसका इसके बाद का मैच। अजान हो रही थी इसलिए रुका था मैं, कमेंट्री। के साथ 1 रन, ओवर की समाप्ति। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चालू होने वाली है 3 और 6 में जीतने के लिए। बॉलर्स ने 3 रन की जरूरत, इसी के साथ 4 रन,
मैच जीत लिया यहाँ पे, मैच जीतती हुई सजनी। शुक्रिया, थैंक यू।